गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अपना होम साइंस नौ में आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग। ओके, प्लानिंग क्या है? अब हम न्यू टॉपिक होम मैनेजमेंट का टॉपिक शुरू हो रहा है, जिसमें पढ़ेंगे प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? कोई काम करने से पहले हम एक प्लान बनाते हैं। हमें मार्केट जाना है सामान लेने, तो उसकी एक प्लानिंग करके जाते हैं कि मार्केट जा रहे हैं तो ये सामान लेना। बिना प्लानिंग का कोई कार्य नहीं होता। आपके घर कोई कार्यक्रम है तो उसकी एक प्लानिंग बनाते हैं। तो हमें एक प्लानिंग के पढ़ना, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया है कि आयोजन की क्रिया के पूर्व पहले जो है एक प्लानिंग की जाती है, एक निर्धारित की जाती है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग है। आपको बता दें कि आयोजन व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। आयोजन जो है व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण है, ये फर्स्ट जो है उसका है। लक्ष्य निर्धारण एवं आयोजन दोनों ही क्रिया प्रारंभ होने से पूर्व संपन्न किए जाते हैं। ओके, ये भी जरूरी है आपको जानना। योजना एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है, जो आपकी प्लानिंग है उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है। वर्तमान समय में प्लानिंग राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी हो गई है। राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी हो गई है। प्लानिंग क्या हो गई है? राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी। इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। ली ब्रेटन भी बोलते हैं इनको। पूर्व निर्धारित विधि है, पूर्व निर्धारित विधि है। प्लानिंग क्या है? पूर्व निर्धारित विधि है। हमें जो है प्लान करके ही कोई कार्य कर सकते हैं। मेलो के डेकन का क्या है? निर्णयों की श्रृंखला है। निर्णयों की क्या है? श्रृंखला है। अमीलर ज्ञान एवं क्रिया के मध्य अंतर को दूर करने का एक पुल है। दूर करने का क्या है? पुल है। यदि आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग है। इसके बाद आप चाहे तो योजना की विशेषताएं भी लिख सकते हैं। प्लानिंग की विशेषताएं, आयोजन चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। एक एक विशेषता हम बताते जा रहे हैं, आप नोट करते जाइए। ओके, आपका अपना होम साइंस नोट। विशेषता लिखिए, योजना एक विवेकपूर्ण कार्य है। कैसा योजना है? विवेकपूर्ण कार्य। योजना क्या है? विवेक पूर्ण कार्य। योजना क्या है? विवेक पूर्ण कार्य। आप विवेक से ही कोई कार्य कर सकते हैं। आपके घर प्रोग्राम है, आप बिना प्लानिंग के कोई कार्य ना करें। आप एक प्लान बनाते हैं, ठीक है, आप प्लान पर चलेंगे तो आपके कार्य क्या होंगे? सक्सेस होंगे। इसलिए योजना क्या है? विवेक पूर्ण कार्य है। निर्णयों की एक संगठित प्रक्रिया। निर्णयों की एक संगठित क्या है? प्रक्रिया। सेकंड अगला क्या है? वैज्ञानिक पद्धति है। अगला क्या है? वैज्ञानिक पद्धति है। चौथा क्या है? लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। लक्ष्यों के प्राप्ति का साधन है। लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। और तीसरा क्या? ये एक सतत प्रक्रिया है। ये क्या है? सतत प्रक्रिया। क्या है? सतत प्रक्रिया। और अगला जो है मानसिक प्रक्रिया भी कह सकते हैं। ये जो है मानसिक प्रक्रिया है। आपका अपना होम साइंस मऊ में हम जो है होम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। होम मैनेजमेंट में हमारी क्या है? प्लानिंग चल रही है। आयोजन क्या है? आयोजन क्या है? हम बता चुके हैं कि कोई कार्य करने से पहले एक प्लान बनाते हैं। सब्जी लेने जाना है, मार्केट जाना है, तो प्लान बनाते हैं क्या क्या हमें लेकर आना है। और बिना प्लान के जाएंगे वहां प्लान बनाएंगे, कुछ आपके काम होंगे और कुछ नहीं होंगे। इसलिए हमें प्लान बनाकर ही निकलना चाहिए। तो अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है इसमें। जैसे ली ब्रिटेन का है कि पूर्व निर्धारित विधि है। ली ब्रिटेन का क्या है? पूर्व निर्धारित विधि है।
आयोजन क्रिया की पूर्व निर्धारित विधि है। ओके, मेलोक एवं डेकेन आयोजन निर्णयों की श्रृंखला है जो कि स्तरों एवं क्रियाओं के क्रम से संबंधित है। मिलर आयोजन ज्ञान एवं क्रिया के मध्य अंतर को दूर करने का पुल है। ग्रास कैंडल एवं नाल का आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यह स्पष्ट करता है कि परिवार किस प्रकार के लक्ष्य तक पहुंचता है। किसका ये? ग्रास कैंडल का। निखिल एवं डार्सी का आयोजन व्यवस्थापन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। आयोजन व्यवस्थापन प्रक्रिया का क्या है? प्रथम चरण। उसके बाद हम विशेषताएं पढ़ें कि क्या विशेषताएं हैं, प्लानिंग की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, विवेकपूर्ण कार्य है। कैसा ये? विवेकपूर्ण कार्य है। लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। अगर हमें लक्ष्य प्राप्त करना है तो बिना प्लान के हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ये एक सतत प्रक्रिया है। और नेक्स्ट है मानसिक प्रक्रिया। इसके अलावा अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। निर्णयों की एक संगठित प्रक्रिया है। लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। ओके, और इसके अलावा नोट करिए, कार्य से पूर्व की जाने वाली क्रिया है। इसमें साधनों को व्यवस्थित किया जाता है। योजना में पारिवारिक सदस्यों के कार्यों का विभाजन भी किया जाता है। ओके, तो यहीं तक आज की प्लानिंग। कल पढ़ेंगे अपना होम साइंस मऊ में संगठन। ओके, थैंक यू।